सो गाइज ये सब आइटम्स लाए थे हम स्पीति वैली से, और भाई आज लगाने का टाइम है इस वाले स्टिकर को अपनी गाड़ी के पीछे। आ जाए यार, क्यों मना कर रहा है, हाथ में क्यों नहीं आ रहा। और भाई ये पोस्ट कार्ड तो खैर शादी के एल्बम में लगाए जाते हैं, कुछ लोग शादी के एल्बम में लगा सकते हो क्योंकि वही वाले साइज के होते हैं। उसके अलावा मैगनेट्स लगाए थे अपने फ्रिज पे। आयुषी आ गई है तैयार होके मैगनेट्स लगाने के लिए। क्या बात है, इतनी खुशी। ये देख रहे हो भाई, ये फ्रिज ऐसे ही नहीं भरा है। लद्दाख हम 3 बार नहीं किया है, लेकिन 3 हमने मैग्नेट जरूर लगा दिए हैं। ये लग गया भाई वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस का। इसके अलावा कौन सा है नेक्स्ट, स्पीति का है। तो एक ही बात हो गई यार, स्पीति के अंदर ही पड़ता है जो है। तो भाई ये वाला है हिक्किम का, और अब लगाइए आयुषी स्पीति का। जगह बना रही है, जगह बना रही है, बनाओ बनाओ जगह बनाओ। ये लग गया भाई स्पीति वैली, देख रहे हो। एक और फ्रिज खरीदना पड़ेगा हमें जल्द से जल्द, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिज। डोनेट करने वाले जल्दी कांटेक्ट करें। आयुषी का नंबर इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो भाई ये आ गए अपनी गाड़ी पे, एक ऑलरेडी लगा हुआ है ले का, अब जगह ढूंढनी पड़ेगी। भाई डिटेल में विचार विमर्श करने के बाद अपने को जो लोकेशन समझ आई है वो है ये वाली भाई, यहाँ पे लगाएंगे इसे, क्योंकि ये ब्लैक वाला पोर्शन है, इसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी बीच में ना डिफॉगर के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे पीछे का व्यू भी थोड़ा थोड़ा कटेगा। तो भाई चलो इसे लगा लेते हैं फटाक से, आराम से लगाना पड़ेगा, वरना द्वार लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा पता है ना। थोड़ा हेल्प करना आयुषी जी, कहीं से लगाया जाए। बॉर्डर से लगा दो, क्योंकि ये भी बॉर्डर से लगा हुआ है नीचे से एकदम। इतना ले लेता हूँ, हल्का हल्का रह जाएगा, तो इट्स ओके। ठीक है, ये देखो भाई ये हो गया, चिपक गया। और ये ना भाई प्लास्टिक स्टिकर्स हैं, तो इतनी जल्दी मेरे को लगता नहीं कि पानी वानी से इनको कुछ फ़र्क पड़ेगा दूर दूर तक। जब तक कोई उंगली नहीं करेगा जब तक कोई दिक्कत नहीं है। लग गया भाई, तो कमेंट करके बताना भाई ज़रूर भाई लोग कि कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है अपनी गाड़ी ये दो स्टिकर्स लगने के बाद। एक स्पीति, दूसरा ले। मेरे को तो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है यार वीडियो में। अरे भैया ठक ठक वाले, अच्छा लग रहा है ना। तो भाई ये हो गई अपनी गाड़ी की, तो भाई ये हो गई अपनी गाड़ी की अलग पहचान। बजा लो बजा लो। तो भाई काफ़ी दिन से ना फ्लैग भी नहीं लग पा रहे थे, तो आज ये गाड़ी हो गई एकदम फाइनली कंप्लीट। अभी एक सबसे बड़ी ब्रांडिंग होनी बाकी है जो कि आपको आगे पता चल जाएगी। सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग कराने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में काफी दिन से चल रही थी कुरक धांस की भाई कुछ कराना है कुछ कराना है कुछ कराना है। तो फिर अपन दोनों ने मिलकर सोचा कि कुछ ऐसा कराते हैं जिसे हम हर दिन देखते हैं और हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ये चीज ऐसी है कि मेरे फर्स्ट नेम से लास्ट नेम से यहाँ तक कि मेरी कास्ट से रिलीजन से सबसे बढ़ के है। तो ये दिल में था कि यार ये करवाएंगे, तो आज ये करवाने के लिए जा रहे हैं। और क्या बोलती है आयुषी, अच्छा लगेगा दिखने में बहुत ही। बिल्कुल, तो हमारी ट्रैवल वीडियोस में भी है ना भाई, और वो जान डाल देगा। तो चलते हैं यहाँ से, अपना इंडियन फ्लैग जो कि हम सबकी आइडेंटिटी है उसको अपनी गाड़ी की छत पे लगवाएंगे यार, मतलब वहाँ पे उसको प्रिंट करवाएंगे। अब चलते हैं, मैंने 2-3 जगह पे बात की थी तो काफी लोगों के पास इतना रोल नहीं था, वो नहीं था, मतलब वो कलर कॉम्बिनेशन वाली चीजों की दिक्कत आ रही थी। तो कुल मिला जुला के एक दुकान पे बात हुई, उन्होंने बोला भैया आ जाओ और लगा देते हैं। तो भाई फटाक से चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि दिखने में कैसा लगता है प्रिंट होने के बाद ना भाई गाड़ी की छत पे अपने देश का जो तिरंगा है, अलग ही मजा वाला है। तो चलो चलते हैं फिर। तो भाई दो तरह के तिरंगे थे, एक है लहरता हुआ और एक था सीधा। तो अपने ने फाइनल किया लहरता हुआ, क्योंकि ये ड्रोन शॉट्स में ना दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो भाई ये कट चुकी है ऑरेंज स्ट्रिप, अब बारी है ग्रीन स्ट्रिप की, व्हाइट स्ट्रिप की और ब्लू स्ट्रिप की। एक्चुअली व्हाइट के ऊपर ही ब्लू वाला सर्कल आएगा, ब्लू सर्कल मतलब अपना अशोक चक्र। और भाई ये कट चुकी है अपनी ग्रीन स्ट्रिप, अब इसके बाद फाइनली रह गया अशोक चक्र, उसके बाद स्टार्ट होगी इंस्टॉलेशन। और फाइनली ये वाइट वाली स्ट्रिप भी कट के तैयार हो चुकी है।
ये हो गया भाई अपना फ्लोटिंग फ्लैग तैयार। तो भाई बाहर चल रही है छठ पूजा फेस्टिवल की सेलिब्रेशन, तो इसलिए बाहर है ना मैं म्यूट कर दूंगा, मतलब बीच मतलब बैकग्राउंड में ना म्यूजिक चलेगा। और मैंने अभी एक चीज नोट करी कि भाई अपनी जो गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, इसके अंदर भी भाई तीन फेवरेट कलर है, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। ये तो बहुत ही नई चीज थी मेरे लिए। कभी नोटिस किया ये कि मतलब अपने इंडियन फ्लैग से लिए हुए कलर कितने प्यारे लग रहे हैं, और हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि दिखने में कितने सुंदर लगते हैं। क्या आपने पहले कभी ये नोटिस किया था कि आपके दांतों में नमक है? तो भाई फाइनली अपना तिरंगा जो हमें लगवाना था वो काम हो चुका है कंप्लीट। दिखने में भाई इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है कि एक नंबर कैंट। मतलब जो बंदे ने लगाया ना, उस भाई ने खुद अपने फोन में फोटो लेके रखी, क्योंकि एक होता है ना खुद से हम काम करते हैं और जो हमें अपने काम पे बहुत ही अच्छा काम हो जाता है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो अपने रेफरेंस के लिए अपने रिकॉर्ड के लिए भी उसको रखते हैं। तो उस भाई ने तुरंत फोटो खींची, कहता भाई धांसू लग रहा है अल्टीमेट। तो वो बंदे ने भी बोला कि भाई मस्त लग रहा है। तो भाई अभी तो मैंने जो फोटोज वीडियो लेनी थी वो ले ली, बाकी मैं कल सुबह अपनी छत से फोटो वीडियो लूंगा, जो कि इस वीडियो में जरूर डालूंगा, अभी आप थोड़ी देर में देखोगे। उसके अलावा भाई जो एकदम कैंट वाले फुटेज है ना, वो मिलेंगे आपको हमारी ट्रैवलिंग वीडियोस में देखने के लिए। उसी के लिए तो मैंने तैयारी कराई है, और इतने दिन से ना मैं सोच रहा था कि गाड़ी पे कुछ ना कुछ स्टिकर कराऊं, ये कराऊं, वो कराऊं, तब आगे की कहानी आपको आयुषी बताएगी। तो बेसिकली इनको पहले करवाना था, जो सारे यूट्यूबर्स अपनी गाड़ी पे नाम लिखवा लेते हैं ना, तो शार ने बोला मेरा भी बहुत मन कर रहा है, मैं ऐसा कुछ करवा लेता हूं। तो मैंने बोला यार ये चीज तो इतनी अच्छी लगेगी अभी, पर फिर उनके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया आया कि ऐसे करके हम फ्लैग बनवा सकते हैं, तो वो आइडिया हम दोनों को बहुत पसंद आया, और फिर आपने देखा ही होगा एंड रिजल्ट कैसा आया उसका। तो भाई ये थी कहानी, मुझे था कि अपने YouTube चैनल का नाम डालूं, फिर मैंने सोचा सबसे बड़ी और सबसे धांसू चीज जो मेरे को लगता है कि मेरे दिल के करीब है, मैंने कहा जिसको मैं देखता रहता हूं डेली, क्या है ऐसी चीज जो मैं प्रिंट करा सकता हूं और उसको मैं लगवा सकता हूं अपनी गाड़ी पे। तो वो स्टीकर है ना दिमाग में घूम रहे थे, फिर मुझे याद आया यार इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में अपने लिए एज अ इंडियन। तो भाई मैंने सोचा ये लगवाएंगे, और ये लगवा के फिर इसके ऊपर से ड्रोन ले जाएंगे ऐसे शूम करके, वो आएंगी अल्टीमेट वीडियोस। तो भाई बीइंग अ भारतीय मेरे को तो भाई बहुत प्यारा लगा। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, और आप वीडियो तो देख ही चुके हो कि कितना सुंदर लग रहा था भाई। और अब आप नेक्स्ट क्लिप में देखोगे भाई जो कल सुबह की जो वीडियो क्लिप है जो मैं आपको छत से दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो शाम होने वाली है कुछ दिखेगा नहीं, कल सुबह आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड के अंदर मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं खड़ा था साइबर सिटी में, तो मैंने सोचा यहाँ से दिखाया था आपको ब्रिज से कि गाड़ी एक्चुअल में देखने में कैसी लग रही है। और भाई वो मिट्टी नहीं है, जो ये पेड़ है ना उसकी शेडो आ रही है पत्तियों की, ये देखो भाई। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से शेडो नहीं पता चल रही है, तो यहाँ से क्लियर दिखेगा भाई। वाह एक नंबर, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, अपना इंडियन फ्लैग वैसे ही इतना प्यारा है, और भाई ड्रोन शॉट्स में तो भाई कहर मचा देगा। और भाई ये देख लो सुबह सुबह कैसा लग रहा है ना भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो भाई चलो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।